गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बीकॉम पार्ट सेकंड ईयर का ईएएफएम का जो फर्स्ट पेपर है उसमें राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण के संबंध में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के बारे में चर्चा की थी। और इस टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में क्या उद्देश्य रहे आपके आर्थिक नियोजन के, और हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना तक मैंने आपको स्पष्ट किया था। आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान में आर्थिक नियोजन आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या उद्देश्य रहे हैं। देखिए, राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसरों को सृजन करना, निर्धनता उन्मूलन तथा अति आवश्यक सामाजिक सेवाओं की पूर्ति पर अधिक बल दिया गया था, और आर्थिक विकास के लिए आपके ग्रामीण विद्युतीकरण, परिवहन, संचार, खाद्यान्न, दालों तथा फलों के उत्पादन में वृद्धि करने पर जोर दिया गया था। इस तरह से मानव विकास के लिए रोजगार सृजन, जनसंख्या नियंत्रण, साक्षरता, न्यूनतम स्वास्थ्य देखभाल, प्रत्येक गांव में पीने के पानी उपलब्ध करने पर जोर दिया गया था। कृषि विकास हेतु जो काम किया गया था उसके अंतर्गत सूखा संभाव्य में पानी के गहनतम उपयोग का प्रबंध तथा सिंचाई, बागवानी, मत्स्य पालन, जल प्रबंध तथा व्यर्थ भूमि विकास हेतु कृषि के विविधीकरण पर जोर देने की बात कही गई थी। इसी तरह से नवी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो नवी पंचवर्षीय योजना में 25,000 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रस्ताव रहा है। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जैसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए अधूरे कार्यों को पूरा करना, विद्यमान परिसंपत्तियों का आधुनिकीकरण करना एवं उनको सुदृढ़ करना, समाज के पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाना, सेवा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना, उपलब्ध जल संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करना, अधिक रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों जैसे कृषि, लघु सिंचाई, पशुधन, पर्यटन, खनिज, हस्तशिल्प एवं लघु उद्योग आदि का विकास करना, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, रोजगार पर विशेष ध्यान देना, आर्थिक विकास के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करना, मानवीय संसाधनों तथा तकनीकी कुशलता का विकास करना, निर्यात प्रोत्साहन पर भी विशेष बल दिया गया था आपकी नवीं पंचवर्षीय योजना में। इसी तरह से दसवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें गरीबी को 2007 तक 5% तथा 2012 तक 15% कम करना इसका उद्देश्य रहा। श्रम शक्ति को गुणात्मक व लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना रहा। बच्चों को 5 वर्ष तक की शिक्षा 2007 तक पूरी करना। साक्षरता व मजदूरी में 2007 तक लिंग भेद 50% कम करना। साक्षरता की दर योजना अवधि में 75% तक करना। शिशु मृत्यु दर 2007 तक 45 प्रति हज़ार व 2012 तक 28 प्रति हज़ार करना। मातृ मृत्यु दर 2007 तक प्रति हज़ार 2 पर तथा 2012 तक प्रति हज़ार पर 1 लाना। वन क्षेत्र में 2007 तक 25% तथा 2012 तक 33% की वृद्धि करना। सभी गांवों में स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। 2007 तक मुख्य नदियों को प्रदूषण से मुक्त करना। 2012 तक अन्य अधिसूचित जल क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त करना। तो इस तरह से ये दसवीं पंचवर्षीय योजना में ये प्रमुख उद्देश्य हमारे रहे। इसी तरह से जब हम ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसका आकार 2006-07 के भावों पर 71,732 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था, लेकिन वास्तविक 93,950.7 करोड़ रुपए आंका गया है, जिसमें सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई व शक्ति तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं को दी गई थी। जो प्रमुख प्राथमिकताएं इस योजना की रही वो इस प्रकार थी, जैसे भूख, कुपोषण, निर्धनता, जीवन निर्वाह स्तर से नीचे की भुखमरी को मिटाना, अभावग्रस्त महिलाओं पर विशेष ध्यान देना, लाभप्रद रोजगार व जीविकोपार्जन के सृजन पर ध्यान देना तथा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, उत्तम शासन व राजकोषीय सुधार सुनिश्चित करना, मानवीय साधनों का विकास करना, सामाजिक आधारभूत ढांचे की व्यवस्था सुनिश्चित करना एवं सामाजिक क्षेत्र के अंतरालों को भरना, आर्थिक आधार ढांचे को सुदृढ़ करना, ये सारे के सारे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य या प्राथमिकताएं रही है। तो ये हमने
आपको बताई, और इसी तरह के उद्देश्य देश के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, और यदि इन उद्देश्यों को पूरा कर लिया जाता है तो देश का सर्वांगीण विकास संभव होता है। आर्थिक नियोजन हमने अपनाया, लेकिन कुछ असफलताएँ हमारे समक्ष रही। राज्य में आर्थिक नियोजन की प्रमुख असफलताएँ या यूँ कहें धीमी गति के जो है कई कारण रहे हैं, जो इस प्रकार से हैं। जैसे प्रति व्यक्ति आय योजना व्यय बहुत कम। राज्य में प्रति व्यक्ति योजना व्यय प्रथम योजना में 34 रुपये था, जो 12वीं योजना में बढ़कर 28,758 हो गया। इस दृष्टि से योजनागत व्यय बढ़ा है, किंतु भारतीय औसत की तुलना में यह बहुत कम है, तो ये एक महत्वपूर्ण असफलता हम कह सकते हैं। इसी तरह से बेरोजगारी भी एक महत्वपूर्ण असफलता है कि योजना काल में राज्य में बेरोजगारी कम करने को प्राथमिकता दी गई थी, किंतु ये हमारी योजनाओं की विफलता ही है कि राज्य में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारी कम होने के स्थान पर निरंतर बढ़ रही है। वित्तीय साधनों का अभाव है, हमेशा वित्तीय साधनों का राज्य में अभाव रहा है। राज्य केंद्र सरकार पर अत्यधिक निर्भर है, इससे विकास कार्यों में बाधा आई है। अकालों से मुक्ति नहीं मिली हमें, ये भी एक महत्वपूर्ण असफलता है। 67 वर्ष तक अकाल व सूखे से संघर्ष करने के बाद भी आज हम उसकी काली छाया से मुक्त नहीं हो पाए हैं। खनिज संपदा का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि खनिज के अपार भंडार पड़े हैं, किंतु उनका पूरा उपयोग न होने से राज्य का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। प्राथमिकताओं का गलत निर्धारण किया गया है। राज्य में योजना काल में सिंचाई व विद्युत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, ठीक है, जबकि औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। यानी राजनीतिक स्वार्थ व प्रशासनिक स्थिरता भी एक महत्वपूर्ण कारण रही है। इस तरह से सामाजिक सुविधाओं का अभाव राज्य में आज भी गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल सुविधाओं का अभाव है। इस तरह से सिंचाई के साधनों का भी अभाव है। यद्यपि योजना काल में सकल सिंचित क्षेत्र लगभग 6 गुना हो गया है, तथापि 2013-14 में कुल जोते बोए गए क्षेत्र का लगभग 38% ही सिंचाई के अंतर्गत आ पाया है, अर्थात सिंचाई के साधनों का भी अभाव रहा है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है, बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्याएं हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण असफलता है। विद्युत शक्ति का अभाव है, यानी कि राज्य में योजना काल में विद्युत को की प्रस्तापित क्षमता तो 13 मेगावाट से बढ़कर दिसंबर 2016 के अंत में लगभग 17,894.18 मेगावाट कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ विद्युत शक्ति का अभाव ही है, क्योंकि मांग के अनुरूप उसका उत्पादन नहीं है। इसी तरह से यातायात के साधनों का अभाव है, अलोक खनिज व ईंधन का अभाव है। धीमी आर्थिक प्रगति के भी कई और भी कारण हैं, जैसे आर्थिक विकास में अन्य तत्व बाधक रहे हैं, जैसे गांवों का सामाजिक पिछड़ापन, शिक्षा का अभाव, कुशल व ईमानदार प्रशासन का अभाव, पर्याप्त जनसहयोग की कमी। इनमें से कुछ कारण तो समस्त देश में धीमी आर्थिक प्रगति के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं, लेकिन राजस्थान का सामंती वातावरण, सामाजिक पिछड़ापन, जाति प्रथा, ऊंच नीच का भेदभाव एवं शिक्षा की कमी आदि यहाँ के विकास को विशेष रूप से अवरुद्ध कर रहे हैं। योजना कार्यों पर जितना धन व्यय किया गया है उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। साधनों के अभाव की स्थिति में साधनों का सर्वोत्तम उपयोग और भी अधिक आवश्यक हो गया है। तो इस प्रकार से राजस्थान में आर्थिक नियोजन की ये असफलताएँ रही। इन असफलताओं के पीछे ये सारे के सारे कारण मैंने बताए, ये सारे महत्वपूर्ण कारण हैं। यदि लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आर्थिक नियोजन किसी राज्य या देश के विकास में आवश्यक नहीं होता। देखिए, इन कमियों को या इन कारणों को हमें दूर करने की आवश्यकता है, और यदि हमें राज्य का विकास करना है तो इन सभी कारणों को दूर करके हम कर सकते हैं। आर्थिक नियोजन में कोई दोष नहीं है, आर्थिक नियोजन के क्रियान्वयन में दोष है, तो उसको हम सुधार कर हम राज्य का आर्थिक विकास कर सकते हैं। धन्यवाद।